गाइज, हमें से ज़्यादातर लोग यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर का यूज़ करते हैं, लेकिन माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में एक बड़ी कॉमन प्रॉब्लम है कि जब भी आप किसी एप्लीकेशन को या गेम को डाउनलोड करते हैं तो या तो वो पेंडिंग पे अटक जाता है या डाउनलोडिंग पे अटक जाता है, या डाउनलोडिंग होती भी है तो बड़ी स्लो डाउनलोडिंग होती है। अब इसके यहाँ पर कई रीज़न हैं। तो यहाँ पर अगर आपको डाउनलोडिंग स्पीड बढ़ानी है, इनक्रीज़ करनी है और इस तरह के प्रॉब्लम से आपको बाहर आ रहे हैं, तो मैं यहाँ पे आपसे कुछ बहुत ही अच्छे सॉल्यूशन शेयर करने जा रहा हूँ। इनको यहाँ पे आप अप्लाई करिए और उसके बाद जब नेक्स्ट टाइम आप अपने माइक्रोसॉफ्ट स्टोर को ओपन करेंगे, किसी भी तरह की एप्लीकेशन या गेम को डाउनलोड करेंगे, तो आपको यहाँ पे प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। मेक श्योर गाइज, अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो प्लीज़ आप वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आपके दिमाग में कोई डाउट है तो मुझे कॉमेंट सेक्शन में आप ज़रूर बताइएगा। तो चलिए विदाउट एनी डिले स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहला काम आपको क्या करना है, जब भी आप स्टोर पे डाउनलोडिंग कर रहे हैं और बहुत स्लो डाउनलोडिंग मिल रही है, तो एक बारी आप यहाँ पे स्टोर को मिनिमाइज़ करिए, विंडो सर्च पे क्लिक करिए और यहाँ पे टाइप करिए रिसोर्स, और सजेशन में आपको मिलेगा रिसोर्स मॉनिटर, यहाँ पे आप क्लिक करिए और यहाँ पे टॉप में आपको नेटवर्क वाले ऑप्शन पर क्लिक करना है और थोड़ा सा यहाँ पर वेट करिए, ये सारी एप्लीकेशन सर्विसेज को लोड करेगा। अब देखिए, यहाँ पे जितनी भी एप्लीकेशन आपको शो कर रही है उनका यहाँ पे आपको यूसेज दिखा रहा है कि किस तरह का बैंडविथ, किस तरह का इंटरनेट यूसेज वो ले रहा है। तो अगर आप मेरे एंड पे देखिए तो chrome.exe यहाँ पे कितना ज़्यादा बैंडविथ कंज्यूम कर रहा है। हो सकता है कि इसकी वजह से मुझे यहाँ पर प्रॉब्लम आ रही हो, मेरे स्टोर में जो एप्लीकेशन डाउनलोड प्रॉपरली नहीं हो पा रही, उसको डाउनलोडिंग की स्पीड नहीं मिल पा रही है। तो अब आपको क्या करना है, अगर आप क्रोम यूज़ नहीं कर रहे हैं या इसी तरह से कोई अदर एप्लीकेशन जो यहाँ पे ज़्यादा यूज़ कर रही है, अगर आप उसका यूज़ नहीं कर रहे हैं तो उस पर आप राइट क्लिक करिए और एंड प्रोसेस स्टे कर दीजिए। ठीक है, तो ये सबसे पहला काम है। तो जो इतना बैंडविड्थ यहाँ पे कंज्यूम हो रहा था वो यहाँ पे स्टॉप हो जाएगा। क्लियर। अब इसको करने के बाद नेक्स्ट आपको क्या करना है, मीटर्ड कनेक्शन को आपको डिसेबल करना है। अब मीटर्ड कनेक्शन ज़्यादातर लोग यूज़ करते हैं डेटा को सेव करने के लिए, लेकिन यहाँ पे हमारी प्रॉब्लम उल्टी है, हमें यहाँ पे प्रॉपर डाउनलोडिंग स्पीड नहीं मिल रही स्टोर में। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, विंडोज़ आइकन पे राइट क्लिक करिए, सेटिंग्स में क्लिक करिए, सेटिंग में लेफ्ट हैंड मेन्यू ऑप्शन में मिलेगा नेटवर्क एंड इंटरनेट, यहाँ पे क्लिक करिए। अब यहाँ पे जिस भी कनेक्शन से आप कनेक्टेड हैं, ईथरनेट से या वाईफाई से, उस वाले कनेक्शन पर आपको यहाँ पर क्लिक करना है। और जैसे ही क्लिक करेंगे नीचे आने पर आपको ऑप्शन मिलता है मीटर्ड कनेक्शन का। यहाँ पे आप देख सकते हैं, कह रहा है सम ऐप माइट वर्क डिफरेंटली टू रिड्यूस डेटा यूसेज व्हेन यू आर कनेक्टेड टू दिस नेटवर्क। तो यहाँ पे कह रहा है कि ये काम ठीक से ना करे डेटा को रिड्यूस करने के लिए, इसको यहाँ पे आपको डिसेबल कर देना है। इतना करने के बाद लेफ्ट एंड मेन्यू ऑप्शन में आपको नीचे विंडोज़ अपडेट वाला ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पर क्लिक करिए। फिर यहाँ पर नीचे आने पर आपको मिलेगा एडवांस्ड ऑप्शन, यहाँ पर क्लिक करिए। और फिर यहाँ पे नीचे आने पे एडिशनल ऑप्शन में आपको मिलेगा डिलीवरी ऑप्टिमाइजेशन, इस पर यहाँ पे आप क्लिक करिए। दोबारा से नीचे आने पे एडवांस्ड ऑप्शन मिलेगा, यहाँ पे क्लिक करिए। और देखिए यहाँ पे अब आपको डाउनलोड सेटिंग में नीचे का ऑप्शन मिलता है परसेंटेज ऑफ मेजर्ड बैंडविड्थ, इस ऑप्शन को यहाँ पर आपको चेक करना है। फिर लिमिट हाउ मच बैंडविड्थ वाले को यहाँ पर चेक करना है और इसको यहाँ पे इंक्रीज़ करके आपको 95 कर देना है। क्लियर। इतना करने के बाद इसे यहाँ से आप क्लोज़ करिए। अब इसके बाद नेक्स्ट विंडोज सर्च पे आप क्लिक करिए, यहाँ पे टाइप करिए स्टोर, सजेशन में आपको मिलेगा माइक्रोसॉफ्ट स्टोर, यहाँ पे राइट क्लिक करिए, ऐप सेटिंग में जाइए और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे आने पर आपको मिलेगा बैकग्राउंड ऐप परमिशन। अब इसको यहाँ पर आप ड्रॉप डाउन से ऑलवेज पे कर दीजिए। ठीक है, ऑलवेज पे करने के बाद और नीचे आने पे आपको टर्मिनेट मिलेगा, एक बार यहाँ टर्मिनेट पे क्लिक करिए। फिर रीसेट वाले में ऑप्शन में आने के बाद पहले आपको यहाँ पे रिपेयर पे क्लिक करना है और जैसे रिपेयर हो जाए फिर यहाँ पे रीसेट वाले ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लियर। इतना करने के बाद इसे भी यहाँ से क्लोज करिए। नेक्स्ट अपने विंडोज सर्च पे यहाँ पे आप क्लिक करिए और टाइप करिए CMD, कमांड प्रॉम्प्ट पे राइट क्लिक करिए, रन एज एडमिन करिए, यस पे क्लिक करिए। यहाँ पे आपको तीन कमांड रन करनी है। अब ये सारी कमांड आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिल जाएंगी। तो पहली कमांड है यहाँ पे ipconfig स्पेस फॉरवर्ड स्लैश फ्लश DNS।
नेक्स्ट कमांड है NETSH स्पेस winsock स्पेस reset, एंटर कराइए। और लास्ट जो आपकी यहाँ पे कमांड है वो होगी यहाँ पे WS reset। तो यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर के कैश को भी क्लियर करेंगे। अब इसको जैसे ही टाइप करके आप एंटर कराएंगे तो देखिए स्टोर ऑटोमेटिकली यहाँ पे आपका ओपन हो जाएगा। तो अब यहाँ पे आप चेक कर सकते हैं कि आपका स्टोर की प्रॉब्लम यहाँ पे फिक्स हुई है कि नहीं हुई है। अगर इनके सभी भी नहीं होता है तो दो और स्टेप हैं जो आप यहाँ पे अप्लाई करिए। पहला, यहाँ पे आपको चेंज करना है DNS सर्वर एड्रेस। तो उसके लिए आपको क्या करना, अपने विंडोज सर्च पे क्लिक करिए, टाइप करिए ncpa.cpl, एंटर कराइए। और यहाँ पे आपको सारे नेटवर्क कनेक्शन देखने को मिलेंगे, लाइक ईथरनेट, वाईफाई। तो जो भी आप यूज़ करते हैं उस पर आपको राइट क्लिक करना है, प्रॉपर्टीज़ पे क्लिक करना है, फिर यहाँ पे इंटरनेट प्रोटोकॉल वर्जन 4 मिलेगा, इस पर डबल क्लिक करिए। और यहाँ पे देखिए मिलेगा आपको ऑप्टेन DNS सर्वर एड्रेस ऑटोमेटिकली। तो इसको यहाँ पे आपको सेकंड वाले ऑप्शन को सिलेक्ट करना है। और यहाँ पे या तो आपको गूगल का या तो क्लाउड फ्लेयर का DNS सर्वर यूज़ करना है। अब आपको कैसे डिसाइड करोगे कि कौन सा आपके लिए बेहतर है, कौन सा आपके लिए बेस्ट है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, विंडो सर्च पे क्लिक करेंगे, टाइप करेंगे CMD, कमांड प्रॉम्प्ट को ओपन करेंगे। अब हम पिंग करेंगे दोनों के IP को, और जिसका भी पिंग कम होगा उसको हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पे पिंग करेंगे गूगल के IP को। तो उसके लिए कमांड आपको टाइप करनी है पिंग स्पेस 8.8.8.8, एंटर कराइए। और यहाँ पे देखिए फाइनल रिजल्ट आ गया है, और हमें यहाँ पे जो पिंग मिल रहा है वो 44 ms का मिल रहा है, 45, जो कि बहुत ज़्यादा है मेरे एंड पे, ठीक है। तो अगर अब यहाँ पे हम क्लाउड फ्लेयर को चेक करें तो उसके लिए टाइप करेंगे पिंग 1.1.1, एंटर कराएंगे। और यहाँ पे देखिए हमें क्लाउड फ्लेयर से सिर्फ 15 मिल रहा है, तो ये काफ़ी ज़्यादा फर्क है। तो यहाँ पे 15 पिंग का मतलब है कि जितना ज़्यादा कम पिंग होगा उतना अच्छा आपको स्टेबल कनेक्शन मिलेगा, राइट। तो अगर आपको भी इन दोनों में से जिसका सबसे कम मिलता है उसी का आपको जो है DNS सर्वर यूज़ करना है। तो यहाँ पे मेरा क्लाउड फ्लेयर के लिए कम है, तो यहाँ पे हम आएंगे और प्रेफर्ड में टाइप करेंगे 1, 1, 1 and 1, और ऑल्टरनेट में टाइप करेंगे 1, 0, 0 and 1। अगर आपको यहाँ पे गूगल का आ रहा है कम तो आप गूगल का यूज़ कर सकते हैं। दोनों का IP आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, बस यहाँ पे ओके पे क्लिक करिए, ओके पे क्लिक करिए। अब फाइनल स्टेप में आपको दोबारा से विंडोज सर्च पे क्लिक करना है, टाइप करना है पावर शेल, विंडोज पावर शेल पे राइट क्लिक करना है, रन एज एडमिन कराना है, यस पे क्लिक करिए। और आपको डिस्क्रिप्शन में एक कमांड मिलेगी, इस कमांड को यहाँ से कॉपी करिए, पावर शेल पे राइट क्लिक करके पेस्ट करा दीजिए, एंटर कराइए। और जैसे ये कमांड रन हो जाती है इसे क्लोज करिए। अब अपने सिस्टम को यहाँ पे आप रीस्टार्ट कराइए, और जो आपकी माइक्रोसॉफ्ट स्टोर की जो प्रॉब्लम थी स्लो डाउनलोडिंग की या डाउनलोडिंग पे स्टक होने की, वो इशू यहाँ पे अब आपका रिजॉल्व हो जाएगा। दैट्स ऑल गाइज, आज के लिए इतना ही। होपफुली आपका सोल्यूशन यहाँ से मिल गया होगा। अगर मिला है तो कॉमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा, और बिना वीडियो को लाइक सब्सक्राइब किए मत जाइएगा। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। बाय बाय।